एसपी को पूरा फिनिश भी करा एट द सेम टाइम, नोवा को फिनिश करा, सांगवान को भी फिनिश करा। एंडी क्रेटोस के ऊपर फिर से यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं हाइड्रा के प्लेयर, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे एंडी क्रेटोस, मतलब यू कैन से तीनों प्लेयर्स यहीं पे हैं अंडर द वाटर, दे आर स्विमिंग अराउंड। विश्मा को डैमेज पड़ा है, गॉड दैट डैमेज, यहाँ पे ट्रांस से गोली मारने की कोशिश है वो पानी में, बट ये काफी गलत पोजीशन में आ चुके टीम आईएनडी, अगर यहाँ से बच पाते तो कुछ होएगा। मीनवाइल स्काउट यहाँ पे भीष्मा को निकाल दिया है, ये हाइड्रा का एक बहुत बड़ा चांस था स्काउट की टांग पकड़ के नीचे खींचने का, उनकी आईएनडी को हराने का, बट अफसोस अभी तक कुछ खास पुल ऑफ नहीं कर पाया। यहाँ पे भीष्मा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, एंड यस ही इज जस्ट ट्राइंग टू मूव थ्रू द स्मोक। मीनवाइल जो मेगा है वो काफी पीछे है, काफी इंटेंस मैच देखने से पहले डर रहा हूँ। ट्रांस को फिनिश कर रहा है यहाँ पे हाइड्रा जोकर ने पानी के अंदर ही, अब क्रेटोस और स्काउट के ऊपर पुश हो रहा है, यहाँ पे स्काउट नॉट डाउन होता हुआ, क्रेटोस इज आल्सो 1 एचपी एंड आई थिंक गॉट किल कॉट हिम एंड टीम आईएनडी गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मैच। बट अभी भी सोल को यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट के साथ किल भी निकालने पड़ेंगे टू गेट इनटू द ट्रैक, एंड आई थिंक सोल के यहाँ पे चारों प्लेयर जिंदा है तो उनके पास एक रौनक की मम्मा काफी अग्रेसिव लग रही है सोल की, रौनक की मॉम वो जैसी पूरी टीम आईएनडी खत्म होती है आंटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, आंटी कह रही है अब मेरे बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता, दे आर लाइक सुपर हैप्पी एंड दे आर सो प्राउड पेरेंट्स यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे टूर्नामेंट का मैच देखने, और यहाँ पे पूरा क्राउड आपको बताए कि एक तरफ है आईएनडी और पूरा स्टेडियम है यहाँ पे कंधे में बिठाने को तैयार मॉर्टल को, उनको exactly, पता है मॉर्टल एक बार यहाँ पे एक बार फेंक दो उसको क्राउड में, वो जिंदा नहीं आएगा, जिंदा नहीं आएगा उसको, उसको जमीन में लगने नहीं देंगे, ये ऐसा क्राउड है वो उसको हमेशा पूरा टॉप ऑफ द स्काई रखेंगे। एंड गॉडेल अलादीन ने यहाँ पे ओआरबी घातक को नॉट डाउन करा, आरआईपी टेम्पेस्ट ने भी उसको फिनिश करा ओआरबी घातक को, ओआरबी के पास एक अच्छा चांस था यहाँ पे बैकअप बैक में आने का बैक ऑफ द ट्रैक, एंड उनके पास एक अच्छी पोजीशन थी जो कि शायद फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन में ये लोग उनको लेके जा सकते थे। आई थिंक अलादीन यहाँ पे नॉकडाउन होगा, और भी नियो का एक क्लोज एनकाउंटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी और प्लेयर के कंपैरिजन में, अभी यहाँ पे पुश कर रहे हैं सिद्धू भी पुश कर रहे हैं, आई थिंक पूरा स्क्वाड फिनिश हो चुका है यहाँ पे ओआर बी का, एंड सोल मॉडल ऑल्सो गॉट दैट किल, दो किल इनकी भी हो चुकी हैं, छः स्मोक ये क्रैक कैरी कर रहे हैं, अब पाँच बचे हैं इसके बैग में मॉडल के, देखते हैं क्रेट भी इनको लूटनी पड़ेगी एट द सेम टाइम बिकॉज जोन जब क्लोज इन होगा तब आपके पास सफिशिएंट थ्रोएबल्स भी होने चाहिए। अभी टीम सोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीन किल्स ऑलरेडी आईएनडी के पास है, किल्स बराबर करें उसके बाद बस क्लाइम करें। और मीनवाइल मॉर्टल ने एक और प्लेयर यहाँ पे चटका दिया जो है टेम्पेस्ट, अब टेम्पेस्ट को खत्म करना काफ़ी ज़रूरी होगा, उसके बाद किल का डिपार्टमेंट ओवर, किल ओवर, अब बस बचना है गेम के आखिरी तक, फिर अगर 13 पॉइंट लेने हैं फिर हाँ कुछ भी करके अब 13 राउंड की एडवांटेज लेनी है, और 13 राउंड बड़ी बात नहीं है, आपको मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर आना है जहाँ पे आपको 15 से 16 पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद वारे न्यारे सीधा ग्रैंड फाइनल, सीधा बर्लिन, और ग्रैंड फाइनल में बिल्कुल छाती चौड़ी एंड पे बैठेगी टीम सोल। एग्जैक्टली यहाँ पे एश को नॉक डाउन करते हुए हाइड्रा गॉट किल विद द डीपी स्प्रे कमिंग अप, एंड पीछे से फिर से हाइड्रा ट्रिगर का भी स्प्रे आता हुआ, एंड गॉट किल फिर से वो डीपी का मैग रिलोड करके फिर से वापस चढ़ गया वहाँ पे, एंड फोर्स करी व्हीकल एट सेम टाइम फिर वापस आया डीपी का मैग रिलोड, एंड ट्रिगर फिर से वहाँ पे एडीएस ओपन करके देख रहा है, 8-bit का स्क्वाड है ऊपर हायर रिज में, एंड धीरे धीरे जोन भी क्लोज इन हो रहा है, एलईएफपी का स्वैग पैराडॉक्स एंड इनकोर डाकू का लैंसर भी अभी जिंदा है, ईटीजी का भी स्क्वाड यहाँ पे, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा क्राउड का भी एंड हमारा भी यहाँ पे ध्यान है बिकॉज ईटीजी को भी अपनी थर्ड पोजीशन सिक्योर करनी है। टाइगर प्रिंस कैरी सयम और मवी एक स्क्वाड हाउस यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, सोल का पूरा स्क्वाड इनके पास आई थिंक एक अच्छी पोजीशन है, एंड इनका कवर देखो 4 या 5 मैं कहता हूँ कि मॉर्टल ट्रैवल एजेंसी बिकॉज ये जब नॉर्मल कस्टम्स भी खेलते हैं इनके पास 5 या 6 गाड़ियों से कम होता नहीं है कुछ, एंड ये जो कवर बनाते हैं यू कैन से दैट मॉर्टल। अब यहाँ पे अगर बात करें सोल के पास 2 किल्स हैं इसका मतलब वो 11 पॉइंट्स पीछे हैं, और अभी अगर वो सोल अभी निकलती है तो उनको पूरे मिलेंगे 9वीं पोजीशन पर अगर निकलते हैं तो उनको मिलेंगे 8 पॉइंट्स, तो इसका मतलब अभी भी थोड़ा पीछे हैं वो, वही कह रहा हूँ अभी बस थोड़ी सी किल्स और एक दो पोजीशन और हमें हमारे विनर्स मिल जाएंगे बिकॉज अभी यहाँ पे देखो चारों प्लेयर्स जिंदा है तो ये लोग इतनी जल्दी तो आउट होने नहीं वाले बिकॉज आपको भी पता ये बदमाश है ये नहीं जाएंगे, ये अब जीत के जाएंगे, बट ठान लिया और जो लगन से जो कंसिस्टेंसी ये होता है एक प्रोफेशनल टीम जो सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेती है, जो स्काउट ने किया वो जोश था और जोश में आगे होश खोया अपने वजह से दलजीत पिक ऑफ हुआ
ट्रांस क्रिएटर स्काउट पे काफी प्रेशर होगा इस वक्त। वो मैं एक सोचता हूँ कि एक वो ऐसा मैच यहाँ पे खेल के गए हैं जो ये बीच में फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ मैच होता तो समझ भी आता वाली स्ट्रैट कि आप ज़्यादा किल्स खेले जा रहे हो या तो फिर एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो टूर्नामेंट में, बट आखिरी मैच जब आपके पास ऑलरेडी एक टिकट आपके पास बर्लिन की है तब आप कुछ सिक्योर कर नहीं चाहते। यहाँ पे मीन वाइल यहाँ पे स्क्वाड हाउस में ये लोग स्लैम करेंगे सोल का टीम राइट हैंड साइड में, ईटीजी मैगजीन ईटीजी एग्जिस्टेंस वहाँ पे नॉकडाउन एंड टीम टाइगर इंडियन टाइगर वहाँ पे है। एट द सेम टाइम टाइगर स्वयं के नीचे वहाँ पे कार स्लैम करी है, टाइगर स्वयं के ऊपर पूरा प्रेशर है बिकॉज सोल पुश कर चुके हैं उसी सिमिलर कंपाउंड में। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का किल कंफर्म करते हुए सोल ओवेज एश ने यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करा ऊपर। अब देखते हैं कैसे ये लोग पुश करेंगे, सोल के पास एक्सपीरियंस है स्क्वाड हाउस में पुश करने का, पहले भी देखा हुआ हम लोगों ने टूर्नामेंट में, बट यहाँ पे थ्रोएबल बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मीनवाइल वाइपर को फिनिश करा ओवेज ने, यहाँ पे ईटीजी मैगजीन को निकाला एंड सिर्फ यहाँ पे टाइगर्स वर्सेस सोल बचा हुआ है उस स्क्वाड हाउस में। यहाँ पे मीनवाइल यहाँ पे एट बेट टेड को यहाँ पे नॉट ऑन करा हुआ हाइड्रा की टीम यहाँ पे बहुत टीमों के लिए दिक्कत पैदा करती हुई, पहले आईएनडी के लिए करी थी एंड यहाँ पे अब एट बेट के लिए। Meanwhile, Tigers की कैरी ने यहाँ पे 8-bit टेड को निकाला, 8-bit ले काफी बड़ा शट डाउन सारे प्लेयर देख करके जा रहे हैं। यहाँ पे मॉर्टल का आई थिंक ये कि ग्रेनेड था जो शायद से ऊपर टेरेस पे फूटा था, मैं किल फीट देखना चाहता हूँ यहाँ पे अगर दिख सकता है, मेरे ख्याल से मॉर्टल नहीं फेंका था वो गैराज हाउस से ऊपर स्क्वाड हाउस की टेरेस पे, बट देखते कितनी जल्दी ये लोग पुश करते हैं। अच्छी बात ये है सोल के पास चारों प्लेयर जिंदा है एंड टाइगर के भी चारों प्लेयर जिंदा है, देखते हैं 4v4 प्रोफेशनल एक अच्छा नेड रौनक, मिस्टर नेड रौनक आज एक और नेड हो जाए बिल्कुल उछाल के सीधा टाइगर्स के बीच में फटे और पता चल जाए कि क्या होगा, बट वहाँ पे टाइगर्स को भी कम हाँकना एक बहुत बड़ा पाप होगा बिकॉज पहली दो गेम जीत के इतिहास और सीधा ड्रॉप भी देखिए कहाँ आया है, ये तो गोद में आ गया बिल्कुल ही, आप ले लो। और ये लालच है, ये प्योर लालच है कि इन दोनों को लगा होगा कि कोई भी गया बट दोनों टीम इतनी समझदार है वो छूने भी नहीं जाएंगी, वो लाल धुआं खत्म हो जाएगा फिर भी मॉर्टल जाएगा। यहाँ पे आई थिंक अगर उसके पास स्मोक्स हैं बिकॉज मैंने देखा था उसके बैकपैक में ऑलरेडी 5 या 6 स्मोक्स हैं, वहाँ पे एलएसपी स्वैग यहाँ पे टाइगर प्रिंस को किल देती हुई, तो ये ईटीजी के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे बिकॉज ईटीजी पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, अगर कहीं पे टाइगर हाई किल निकाल के चली गई हो चुका है फैसला। 5 टीम बची हैं, सोल टिकी हुई है, 14 अंक पूरे आने वाले हैं एंड एनकोर यहाँ पे एक अच्छे ग्रेनेड से नॉकडाउन होता हुआ टाइगर स्वयं यहाँ पे एनकोर को पूरा फिनिश करा एंड आई थिंक कि सोल मॉडल ने यहाँ पे ग्रेनेड पा रहे उसने वहीं पे सेम अंदर कंपाउंड में बच गया मॉडल जैसे करके, दैट वाज क्लोज एन एरर, व्हाट अ क्लोज, एक एरर था बट नेवर माइंड। अब 5 पोजीशन बची है, 5वीं पोजीशन को मिलेंगे 14 अंक, तो वी गॉट आवर विनर्स आई थिंक। सोल यहाँ पे निकल चुकी है अपने बर्लिन के टिकट के लिए एंड यहाँ पे फाइट देखनी है, बस अब फाइट को एंजॉय करें। यहाँ पे मीनवाइल ओवेज ने टाइगर स्वयं को नॉकडाउन करा है, देखते कितनी जल्दी पुश आएगा, मॉर्टल भी यहाँ पे नॉकडाउन है सेम टाइम, हाइड्रा का पीछे से पुश आ चुका है, 3v1 फाइट है आई थिंक सोल, ओके 3v2 फाइट है वाइपर और रौनक के सामने एंड ओवेज 3v1 फाइट है आई थिंक सोल, ओके 3v2 फाइट है वाइपर और रौनक के सामने एंड ओवेज भी शायद से यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करेगा और ये कोशिश करेंगे मॉर्टल को रिवाइव करने के, क्योंकि मॉर्टल वो प्लेयर हैं जो इस टीम को जोड़ के रखते हैं, बैकबोन है उनका दिमाग और इन साथ रौनक ओवेस और जो हमारे वाइपर है उनका गेम चलता है, दिमाग तो यहाँ पे मॉर्टल का, ये तो रौनक का रिवाइव करना बनता भी है मॉर्टल को, सीधा रिवाइव के लिए हाथ लगा दे, उनको पता है कि 3 से भले 4 और आखिरी गेम तक अगर चारों जिंदा रहे तो होगा और ये हुई है मॉर्टल की वापसी गेम के अंदर एक जीवन दान और सीधा हील करेंगे अपने आप को और इस गेम के अंदर अपनी करेंगे वापसी, सबसे मोटा कंपाउंड है उनके हाथ में और आखिरी गेम उनकी मॉर्टल वेंट इन एंड ही विल हील अप एंड यहाँ पे जैसे ही मॉर्टल को रेव मिल रहा था यहाँ पे बस क्राउड की आवाजें सुननी थी आपको, हाइड्रा ट्रिगर वहाँ पे क्लोज इन करता हुआ मीन मैन, उसको थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा था वो ग्रेनेड का, अब बहुत ही ज्यादा स्मोक बॉल्स आपको देखेंगे इस कॉर्ड हाउस के आसपास, हाइड्रा के 3 पेयर बचे हुए हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर देयर प्राइड एंड यहाँ पे टाइगर्स यहाँ पे अपने 3rd पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, देखते हैं ईटीजी के कितने पॉइंट्स हैं, टाइगर्स भी यहाँ पे अगर 2nd पोजीशन भी लेके जाते हैं उनके किल्स आई डोंट नो कितने हैं बट दे विल मेक एन इम्पैक्ट इनटू दैट टोटल स्टैंडिंग्स। अब टीम सोल वेट कर रही है बस जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ तो हो, यहाँ पे टाइगर कैरी ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है एलईएफपी इनको, ओके वो प्ले जोन से नॉकडाउन हुआ, पता है अभी भी एक चीज़ मुझे दिख रही है हमारी पूरे टाइम हमारा ध्यान है कि सोल और एंड में क्या होने वाला है एंड में, बट यहाँ पे टाइगर्स अगर अच्छे मार्जिन से जीती ईटीजी नीचे आ जाएगी, मैंने वही बोला इतनी देर से मैं वही बोल रहा हूँ और हो जाएगा कुछ गलत ईटीजी को यहाँ पे और इसी सिमिलर कंपाउंड में ईटीजी मरी थी नीचे जब मैगजीन वगैरह वो लोग थे। अब लेट्स सी स्मोक बॉल्स फिर से यहाँ पे बन रहे हैं, मॉर्टल यहाँ पे बाहर से देख रहे हैं कि बालकनी में कोई है कि नहीं एंड एक
क्रूशियल ग्रेनेड यहाँ पे पूरे गेम को बदल सकता है। एंड आई थिंक ये जो जहाँ से ये फाइट शुरू हुई थी पूरे टूर्नामेंट की, आईटी वर्सेस सोल, वहीं पे जाके वाली फाइट खत्म हो रही है। वाइपर का एक और ग्रेनेड यहाँ पे हाइड्रा ट्रिगर को नॉकडाउन करा है उन्होंने, जो कर देखते हैं यहाँ पे रेफ देता है नहीं देता। हाइड्रा गॉड किल वहाँ पे पीछे टीपी पे ले रहा है, एंड ट्रिगर आई थिंक पीछे जाएगा रेव होने के लिए। बहुत पैसिव खेल रही है यहाँ पे टीम आईटी, बट मीनवाइल ओवेस ने यहाँ पे गॉड पुश कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव खेल रहे हैं। हाइड्रा जोकर यहाँ पे नॉकडाउन कर रहा है सोल वाइपर को, वाइपर को रुकना था बड़ा पे। मीनवाइल 8 बिट एश भी पिक ऑफ हो चुके हैं, एंड इट्स अ गुड टफ टाइम फॉर टीम सोल। यहाँ पे उनके वाइपर का गेम का खात्मा हो गया, तीन प्लेयर अभी भी बचे हैं। दे नीड टू डू समथिंग वेरी सून। टाइगर से एक नीचे फ्लोर भी ले लिया है, उनको पता है ये परफेक्ट टाइम अटैक करने का, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज है। और इसी के साथ ओविस को खत्म कर दिया, यहाँ पर ओविस भी नॉकआउट हो चुके हैं। Meanwhile, kill तो आ चुकी है यहाँ पर, but Ronak यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करेगा, और पीछे बालकनी से एक और प्लेयर कूदे नीचे, प्रिंस एंड सयम दोनों देखते हैं रोनक को नॉकडाउन करा। सिर्फ मॉर्टल भी खत्म यहाँ पे, एंड दो टीमें बची हुई हैं बस, एलीएफपी पैराडॉक्स एंड सयम। एंड आई थिंक वो लोग जोन का डैमेज भी लेंगे, एंड पैराडॉक्स के पास कोई कवर भी नहीं है आई थिंक वहाँ पे सामने। जीत हो चुकी है पक्की यहाँ पर, लास्ट गेम में काफी हाई चांसेस थे। पैराडॉक्स कोशिश करे एक रॉकेट किया, बट उतनी देर में ज्यादा देर नहीं है, और इसी के साथ इंडियन टाइगर्स एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने लिए थर्ड पोजीशन पक्की करी। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके स्कोर कार्ड पे, पूरा क्यूमुलेटिव जो स्कोर कार्ड बनेगा, क्योंकि उनको ये जीत चाहिए थी। क्या तरीका निकाला है पहली दो और आखिरी का एक, पूरी 10 गेम बाद इनको होश आया कि जीतना है हमें भी कुछ करना है, बट इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर के फेस पे। दे ऑल्सो न्यू, यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर के फेस में कितने इमोशंस है कि ये जो टिकट है यहाँ पे, ये जो चिकन डिनर है, ये इन लोगों को कोई एक दूसरी कंट्री की साइड पे ले जा सकता है, जहाँ पे वो लोग अपने इस गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल पे दिखा सके, ग्लोबल लेवल।